नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके जो साइंस के पूरे चैप्टर हैं डीएलएड 4 सेमेस्टर के साइंस का पूरा आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद मैं कल से या फिर जैसे ही मैथ समाप्त होगा उसके बाद तुरंत से ही हम साइंस भी पैरेलली चलाना स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे। एक चैप्टर में एक पूरा का पूरा इकाई ख़त्म करूँगा, इस प्रकार से पढ़ाता चलूँगा। भले एक घंटे लग जाएँ लेकिन एक चैप्टर में एक इकाई फिनिश, जिससे कि आपको दर दर मतलब एक क्लास मतलब एक चैप्टर के लिए आपको 10 वीडियो ना देखने पड़े, एक ही वीडियो देखकर ख़त्म करो, ठीक है ना। तो इस तरह सात ही क्लास हैं, सात ही चैप्टर हैं, तो सातों को 7 दिन लगेंगे हमें ख़त्म करने में। बताओ समय क्या लगा? मैथ बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है, मैथ आपका ख़त्म होने वाला है भाई। मैथ के 11 चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया आज, समझ रहे हो कि नहीं। अब 12वां चैप्टर कल से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जब से स्टार्ट हो, कल क्या हो सकता है वीडियो मैं बाद में लगा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड है ना, तो ध्यान से सुन लेना सारी वीडियो, मतलब कि सारा यह पूरा का पूरा आपका सिलेबस साइंस का 4 सेमेस्टर के लिए। पहला जो इकाई आपको पढ़ना है, फर्स्ट इकाई पढ़ना है जैव विकास में जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं हमारे उसके बारे में पढ़ना है। घटक क्या होते हैं, जैविक अजैविक घटक क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। जैविक अजैविक का मतलब जैविक घटक हैं जिसमें जान होती हैं, अजैविक का मतलब जिसमें जान नहीं होती हैं, प्राकृतिक ही होती हैं जैसे पहाड़ नदी तालाब ये सब सारी चीज़ें, और जो जैविक हैं जैसे पेड़ पौधे हम आप ये सब हो गए जैविक जंतु, ये सब जैविक में आ जाते हैं। जैविक घटकों में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, जो जैविक होता है वही खाद्य श्रृंखला बनाता है, जैसे हम आप जानवर यही सब तो खाद्य श्रृंखला बनाएंगे, तो ये खाद्य श्रृंखला हो गया, खाद्य जाल हो गया, पारिस्थितिकी पिरामिड हो गया, इसके बारे में पढ़ना है पूरा का पूरा पहले में। दूसरा है खनिज एवं धातु, इसको तो मैं एक ही दिन में सोचा था पढ़ा दूँ लेकिन मैंने सोचा कि फिर से स्टार्ट करूँगा तो शुरू से पढ़ाऊँगा, है ना। धातु अधातु पढ़ना है, इसके बाद आपको खनिज, इसी में खनिज पढ़ना है। खनिज यानी कि आप समझ रहे हो अयस्क, भाई खनिज अयस्क में बहुत सारे डिफरेंस, मतलब आपको लगता होगा अयस्क क्या है खनिज क्या है, खनिज का मतलब अयस्क सारे के सारे खनिज में ही आते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, दिमाग में रखना। सारे के सारे अयस्क जो होते हैं खनिज से ही मिलते हैं, जमीन के अंदर से ही आते हैं, तो खनिज क्या है अयस्क क्या है, वो खनिज ही है एक प्रकार का है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे बोलेंगे आपका गोल्ड क्या है, तो बोलेंगे यह बिल्कुल स्वतंत्र है, ये किसी से बना नहीं है, जैसे बोलते हैं तांबा बिल्कुल स्वतंत्र है, मिक्सर नहीं है। लेकिन अगर पीतल की बात करेंगे तो पीतल ब्रॉन्ज आपने सुना होगा, ब्रॉन्ज मतलब कि आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, है ना, ब्रॉन्ज मतलब पीतल हो जाता है ना, ये चीज़ें हैं। अगर जो ब्रॉन्ज है वो आपका अगर देखेंगे तो कॉपर और निकल से मिलकर बना है, इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर है हम लोग का धातु अधातु, तो समझाएंगे बहुत अच्छे से, निष्कर्षण होता है धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, है ना, अयस्क धातु का निष्कर्षण क्या होता है, सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से, इसका कंपोजिशन भी लिखवाऊँगा हर एक चीज़, ठीक है ना। तीसरा आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना भाई, आवर्त सारणी के बारे में हर एक चीज़ बताऊँगा, कौन एफ ब्लॉक है, कौन एस ब्लॉक है, कौन डी ब्लॉक है, कौन पी ब्लॉक है, ये चीज़ें बताने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा और उसमें यह भी बताऊँगा कौन सी किस तरफ आने पर आकृति घटती है, रेडियस बढ़ता घटता है, है ना। आवर्त सारणी का जन्मदाता कौन है, आवर्त सारणी में कितने कितने साइंटिस्ट आए, जैसे कि सबसे पहले आए थे कौन, 1829 में आपके त्रिक नियम देने वाले आए थे, है ना, क्या बोलते हैं उसको, डोब्राइनर त्रिक नियम दिए थे। इसके बाद 1829 के बाद आ जाते हैं 1867 में आ जाते हैं मेरे भाई, 1829 के बाद 1867 में आ जाते हैं आपके अष्टक नियम देते हैं, अष्टक नियम न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं मेंडलीव, जो आवर्त सारणी के पितामह कहे जाते हैं, तो आवर्त सारणी के पितामह मेंडलीव को कहा जाता है, वो 1869 में आ जाते हैं, है ना। इसके बाद इनके ही शिष्य होते हैं मोजले, जो आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाने जाते हैं, 1913 में आ जाते हैं। ये सारी बातें मैं बताता हूँ चलूँगा अभी ना। चलिए आवर्त सारणी के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, आप लोग देखेंगे। इसके बाद आ जाता है भैया देखो चौथा चैप्टर इकाई मतलब आवेश के बारे में, आवेश हो गया, धारा हो गया, कहा मन तो कर रहा है अभी पढ़ा दें तीनों का तीनों चैप्टर या तीनों जो मैंने बताया है, है ना। आवेश हो गया धारा हो गया विद्युत धारा यानी और चुंबकत्व हो गया। मन कर रहा है अभी क्या अभी इन तीनों का मामला था लेकर ख़त्म कर दूँ कई बार में, है ना, धातु धातु खनिज अयस्क आवर्त सारणी आवेश धारा चुंबकत्व, मतलब क्या है, इतना उत्सुक हूँ पढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। इतनी परेशानियाँ झेलने के बाद भी मैं उत्सुकतापूर्व कार्य करता हूँ लेकिन आपको सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। मन में अगर बहुत सारी दिक्कत हो ना, अंदर से जो चीज़ आप सोच रहे हो और आप ही उससे लड़ रहे हो ना,
जो चीज़ें आप सोच रहे हो अगर आप ही उससे लड़ रहे हो तो सच में बताऊं भाई आप बहुत बहादुर इंसान हो। उस चीज़ को किसी से बता नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते, केवल आप जान सकते हो और वो जान सकता है, कोई नहीं जान सकता, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं और बाद में जब प्रयासें जारी रहती हैं तो ये चीज़ें सही हो जाती हैं सारी चीज़ें। लेकिन आप लोग को नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ रहते हुए भी आपके सामने मैं खड़ा रहता हूँ कोई हिम्मत जुटाकर, है ना। क्योंकि मेरा भाई कम से कम पढ़ता रहे, मैं उसको उसका क्लास ना डिस्टर्ब होने दूँ। तो आप लोग को समझना चाहिए, कम से कम आज अगर आप इस वीडियो को शेयर करते तो बहुत सारे बच्चे आ जाते, लेकिन आप लोग शेयर ही नहीं करना चाहते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर करना चाहते मेरे भाई, क्योंकि आपको अपनी पड़ी रहती है ना। क्योंकि हम ही तो हैं ऐसा इस दुनिया में जो कि मुझे सबकी पड़ी रहती है, है ना भाई। आपसे विनम्र विनती है कि आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हेल्प करने का प्रयास करें, जिस भी माध्यम से हेल्प कर सकें। मान लीजिए पैसा रुपये से नहीं आज हेल्प हो पाता है, लेकिन इसको शेयर करके तो आप दूसरों का हेल्प कर सकते हैं। अपने घर में भाई को बता सकते हैं, जितने यूपीटेट के क्लासेस हमने दिए हुए हैं पूरा कंप्लीट लेक्चर है, आइए प्लेलिस्ट में उसको आप देखिए। अगर लग जाए आपको अच्छा है तो आपको बताना चाहिए दूसरों को, सर के प्लेटफॉर्म से जुड़िए। आप सभी लोग यहाँ से पढ़ाई करिए, यहाँ से कभी भी बैक नहीं आता है। हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, हर एक विषय को बहुत ही सुसज्जित और सुसंगठित ढंग से पढ़ाया गया है। लेकिन आप लोग क्या है, अपना भला तो जग भला यही सोचते हैं। चलिए कोई बात नहीं। खैर पाँचवा देखना, रक्त की संरचना के बारे में पढ़ना है भाई। रक्त की संरचना के बारे में, संरचना, रक्त की संरचना के बारे में पढ़ना है, रक्त वर्ग बैंक के बारे में पढ़ना है। रक्त के वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, रक्त वर्ग और क्या बोला है, रक्त वर्ग और रक्त बैंक। रक्त बैंक भाई, रक्त बैंक का मतलब ए बी सी नहीं, रक्त बैंक ए बी और ओ और ए बी, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पढ़ेंगे अच्छे से। और इसके बाद छठा जो आपका चैप्टर है उसमें रक्त पिरामिड, रक्त पीड़ित, पिरामिड नहीं भाई, रक्त पीड़ित और रक्त विकार के बारे में पढ़ना है। लिख रहे ना, रक्त विकार, रक्त पीड़ित, रक्त से जो बहुत सारे डिजीज होते हैं ना, वह चीज़ें पढ़नी हैं। इसके बाद जो सातवां है इकाई, इसमें एड्स और हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ना है, बस सामान्य जानकारी, एड्स और हेपेटाइटिस बी सातवें के बारे में, सातवां चैप्टर में एड्स के बारे में पढ़ना है और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, इन सब के बारे में पढ़ना है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। चलो मेरे भाई, इस सारी चीज़ों को आप बहुत ही ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से कॉपी पे लिखते चलिए। और प्लीज़ आपसे विनती एक और एक बार लास्ट बार करूँगा कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैथ के क्लासेस आपके कंप्लीट होने को हैं बिल्कुल, एक बार मैंने बेसिक से करा दिया था लेकिन फिर से बेसिक से करा रहा हूँ। आप महामैराथन लेकर आएंगे, राजन और पवन सीरीज कराएंगे, इस तरह से कराते कराते आपके एग्जाम तक बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे मेरे भाई। लेकिन आप जो अंत तक लगे रहोगे तब मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसको शेयर कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। आप सभी का बहुत ही बहुत अच्छे से स्वास्थ्य रहे और आप सभी लोग पढ़ाई करें।